रिएक्शन भी प्रॉपर में रिएक्शन देख लेते हैं। तो देखिए ये है हमारा प्रॉपर और साथ में हम लोग रिएक्ट करें विद H2SO4 को, ठीक है। तो आप लोग को एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि जब मैं ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या होगा, ये जो H2SO4 है ये कॉपर को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, बराबर है, खुद क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को दिमाग में क्या रखना है कि भाई कौन सा कंपाउंड यहाँ पर मिलेगा। तो कंपाउंड सिंपल है, कॉपर और SO4 एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएगा और ये बनवाएगा CuSO4। बट यहाँ पर फिर आप ये बोलोगे कि भाई अगर ये CuSO4 तैयार कर रहा है तो प्लस H2 आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा रिएक्शन नहीं है क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में आप लोग को ये चीज क्या ध्यान में रखना है कि जो SO4 होता है ना, ये SO4 CuSO4 में जो SO4 होता है, इट इज ऑलवेज गेट रिड्यूस टू द SO2, ये हमेशा SO2 में रिड्यूस होता है और इसके साथ में इसको H2O अलग से निकल जाता है, तो ये हमारा पर्टिकुलरली रिएक्शन होता है। अभी आप लोग को सिंपली क्या करना है, इस रिएक्शन को बैलेंस करवाना है। तो बैलेंसिंग में आप सबसे पहले सल्फर को ले लीजिए, यहाँ पर दो सल्फर आ रहे हैं जबकि यहाँ पर एक है, तो यहाँ पर हम दो कर लेते हैं। तो अब ये हो गया CuSO4, कॉपर ऑलरेडी बैलेंस है, सल्फर बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन चेक कीजिए, 2 times of H2 है, मतलब टोटल 4 हाइड्रोजन है जबकि यहाँ पर जो ये, तो इसको मैं 4 कर लेता हूँ। अब हम ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ टोटल 8 है, यहाँ पर देखिए 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, मतलब ये रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया है। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, बताइए रिएक्शन को आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे, हाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस रिएक्शन, टेल मी नाउ। When Cu and H2SO4. When, अब देखिए ये जो particularly H2SO4 है, कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो फिर हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड क्या कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, Cu को, Cu को, कॉपर, किसमें कन्वर्ट कर रहा है, CuSO4, बस दैट इज, इतना ही एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए काफी है, ठीक है। इधर ये लेटर हम, अच्छा एक और रिएक्शन है यहाँ पर, मैं भूल गया हूँ यहाँ पर, मतलब भूल गया मतलब मुझे दिखाई नहीं, सल्फर के साथ भी रिएक्शन दिया और थर्ड कार्बन के साथ दिया। तो ये हो गया हमारा पहला रिएक्शन कॉपर। अब हम बात करते हैं दैट इज द रिएक्शन विद सल्फर, ओके देन। तो सल्फर के साथ इसका रिएक्शन क्या दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिए सल्फर S+H2SO4। अब भाई सल्फर अगर ऑक्सीडाइज होगा तो सल्फर किसमें ऑक्सीडाइज होगा, किसमें ऑक्सीडाइज होगा, SO2 में ही ऑक्सीडाइज होगा। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि SO4 क्या होगा, खुद रिड्यूस होगा, किसमें रिड्यूस होता है वो, SO2 और H2O। तो SO2 तो ऑलरेडी है, प्लस H2O हम डाल देंगे। अब खाली रिएक्शन को बैलेंस कराने की कोशिश करते हैं, दो है सेम, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 times of SO2 लिख लेंगे, हाइड्रोजन बैलेंस है। अब ऑक्सीजन चेक कीजिए, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 4 और 1 5 है, ठीक है। तो इसको 5 करने के लिए हम लोग को 5/2 करना पड़ेगा, 4 और 1 5 है ना 5/3, तो इसको हम 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 2s। अब यहाँ टोटल s कितने हो गए, 5 और 2 7, तो इसको मैं 7 कर लेता हूँ, ठीक है। और हाइड्रोजन देखिए कितने हो गए, टोटल 10 हो गए, तो इसको मैं 5 कर लेता हूँ। एंड नाउ योर रिएक्शन विल बी कम्प्लीटली बैलेंस, तो अभी आप लोग का रिएक्शन जो है वो कम्प्लीटली बैलेंस हो जाएगा, क्लियर है, समझ में आ गया, हाँ सर, ओके। तो इस तरह से आप अपनी रिएक्शन को बैलेंस करवा सकते हो, क्लियर है देन। तो ये हो गया हमारा पहला वाला, सेकंड वाला रिएक्शन, रिएक्शन विद सल्फर। यहाँ पर अगर आपको एक्सप्लेनेशन देना रहेगा तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे इस रिएक्शन को, बताइए, अरे एक्सप्लेन करो, एसिड ऑक्सीडाइज सल्फर इनटू सल्फर डाइऑक्साइड, ओके डन, ये इसका एक्सप्लेनेशन रहेगा, ओके। अब हम चलते हैं थर्ड, दैट इज द रिएक्शन विद कार्बन के साथ, ठीक है।
तो कार्बन के साथ मतलब कार्बन और H2SO4। तो देखिए हम लोग को पता है कि कार्बन जो होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, CO2 में, और H2SO4 रिड्यूस होता है किसमें, SO2 और H2O में। ये आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है डन। अब हम लोग को सिंपली बैलेंस करवाना है, तो आप चेक कर पा रहे हो कि लगभग कार्बन सल्फर सबके सब आप लोग के बैलेंस है, बराबर है। सिर्फ क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, यहाँ कितना है 4, 2, 4 और 1, 5 है, जबकि यहाँ पर ये कितना है 4 है। इसको अगर मुझे 5 करना है तो 5/4 करना पड़ेगा, बराबर है। यहाँ पर मैंने अच्छा यहाँ पर गलत हो गया अपना, 4 times 5 = 4 एक मिनट रुकिए, ये वाला रिएक्शन गड़बड़ है थोड़ा सा, इसको बैलेंस नहीं किया मुझे। यहाँ टोटल कितने 4 है, यहाँ पर कितने 3, तो यहाँ पर अगर मुझे 3 करना है तो मैं 3/4 करूँगा, 3/4 करूँगा तो 4 को भी यहाँ पर लाना पड़ेगा, 4 अगर मैं यहाँ पर ला दूँगा तो मुझे कितने होंगे 3 और 4, 7 हो जाएगा, 7 times ऑफ एंड देन हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 6 times हो जाएगा। अभी ऑक्सीजन कितने होंगे 7 × 14, 14 और 3, 17 ये वाला बैलेंसिंग, सॉरी यहाँ थोड़ा सा बैलेंसिंग में गड़बड़ी हो गई थी वहां पर। अब यहाँ पर हम ये वाली चीज देखते हैं कि भाई इसको कैसे हम बैलेंस करते हैं, इसको भी बैलेंस करके हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, 2 ले लेते हैं पहले, तो यहाँ 2 ले लिया तो फिर H2O आप लोग का 2 times हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 times हो जाएगा। अब ऑक्सीजन कितना है 8, 2, 4, 6, 2, 8 बैलेंस हो गए, ओके। तो यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, आपका एक्सप्लेनेशन कि सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजेस कार्बन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, गॉट इट, समझ में आ गया आपको? हाँ सर। ओके, तो ये हो गए हमारे 3 रिएक्शन जो आप लोग की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को एक्सप्लेन करता है। फिर हम लोगों ने देखा था कि रिएक्शन की अदर कंपाउंड जिसमें वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी शो करता है, डिहाइड्रेशन, मैंने ऐसा लिखा लिख कर दिया था कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन करके नहीं लिखा होगा, तो ध्यान दीजिए। अभी जो हमारी नेक्स्ट पर्टिकुलर सी प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो होता है डिहाइड्रेशन या डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये जो हम जो नेक्स्ट रिएक्शन लिख रहे हैं, या फिर इसमें हम कहेंगे और रिएक्शन विद ग्लूकोज, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड का जो रिएक्शन है ग्लूकोज के साथ में, वो एक्चुअली उसकी डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी शो करता है। कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिहाइड्रेशन? लॉस ऑफ वाटर। लॉस ऑफ वाटर, वेरी गुड, ठीक है। तो चले मुझे बताइए आप लोगों का ये जो पर्टिकुलर ग्लूकोज नहीं, आप फ्रुक्टोज है, रिएक्शन विथ सुक्रोज दिया हुआ है, नॉट ऑफ ग्लूकोज। तो रिएक्शन विथ सुक्रोज, तो ध्यान दीजिए सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है आप लोग को, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है, C12H22O11। और इसका जब हम रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ध्यान में रखना आप लोग को H2SO4 लेना है, बट H2SO4 सूटली कैसा होना चाहिए, वो कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। तो जैसे आप उसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कर लेते हो, तो ये जो पूरा का पूरा आप लोग का जो सुक्रोज होता है, दैट गेट
कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड H2O, वो सिर्फ CO2 और H2O में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर 12 है तो ये 12 टाइम्स ऑफ CO2 तैयार कर देगा, बराबर है, जबकि यहाँ पर H कितने 22 है तो वो 11 टाइम कर लेगा, लेकिन यहाँ पर O की प्रॉब्लम आ जाएंगी, ठीक है। तो O की प्रॉब्लम क्या है, अच्छा सॉरी, कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में नहीं होता है, डिहाइड्रेशन में, सॉरी। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन प्लस H2O में कन्वर्ट होता है सिंपली। तो कार्बन कितने 12 है और H कितने 22 है, मतलब 11, तो ये हो गया बैलेंस, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो रिएक्शन है, दैट इज द रिएक्शन विद सुक्रोज, वो डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को एक्सप्लेन करता है। गॉट इट, समझ में आ गया आपको? हाँ सर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को चारिंग ऑफ सुक्रोज या फिर शुगर कहा जाता है, चारिंग ऑफ शुगर ये प्रोसेस का नाम होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ चारिंग ऑफ शुगर। तो चारिंग ऑफ शुगर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस करने के बाद आप देख पा रहे हो कि शुगर में से खाली कार्बन बन रहा है, तो ये जो कार्बन आप लोगों का बन रहा है इसको आप शुगर चारकोल कह सकते हो, क्या कह सकते हो इसको आप, शुगर चारकोल, समझ में आ रहा है। Whatever the carbon is left after the reaction with concentrated H2SO4, this carbon is called as a sugar charcoal. Particularly carbon को आप सिर्फ carbon ना कहते हुए क्या कहोगे, sugar charcoal. And that's why this process is called as a charring of sugar. Got it? हाँ सर। Yes sir. अब हम चलते हैं next. तो next जो है हमारे reaction with salt के साथ में, ठीक है। Next हमारे reaction किसके थे? रिएक्शन विद सॉल्ट। तो रिएक्शन विद सॉल्ट में हमने देखा था कि कितने टाइप के रिएक्शन वहां पर इन्वॉल्व थे, तीन टाइप के रिएक्शन वहां पर इन्वॉल्व थे, कौन कौन से था, नंबर वन रिएक्शन विद NaCl था पहला, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन विद NaCl ही देख लेते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर, NaCl के साथ रिएक्शन चेक कर लेते हैं। तो when NaCl reacts with H2SO4, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये सोडियम बाइसल्फाइड मतलब Na2O4 में कन्वर्ट होता है, और ये जो Cl है ये एक बार Cl में कन्वर्ट होता है, मतलब HCl में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, ध्यान दीजिए, क्या होता है, हम लोग यहाँ पर रिएक्शन कर रहे हैं सॉल्ट का। अब ये जो सॉल्ट है ये कौन सा सॉल्ट है, इट इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस, और ये H2SO4 जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो वे ना हम लोग जब भी रिएक्शन करते हैं सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो जाहिर सी बात है हम लोग को क्या बनना चाहिए, एक एसिड बनना चाहिए, बट वो एसिड इसके अलावा होना चाहिए। अब इसके अलावा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, आप लोग का HCl, तो यहाँ इसीलिए HCl निकल जाएगा, और ये जो Na है ये बचा हुआ H2SO4 के साथ कंबाइन होकर एक नया सॉल्ट बना देगा, समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप क्या लिखेंगे बताइए, टेल मी, वो सिंपल वाला रिएक्शन NaCl बताइए, व्हेन NaCl बताइए जल्दी से, H2SO4 का नाम क्या है, NaCl4 का नाम क्या है, सोडियम सोडियम बाई सल्फेट सल्फेट, क्या नाम है उसका, सोडियम बाई सल्फेट एंड HCl, बड़े समझ में आ रहा है। हाँ सर। तो सेकंड जो सॉल्ट है हमारा, दैट इज द KNO3, सो नाउ लेट्स टेक आउट रिएक्शन विद KNO3। तो चलिए इसका रिएक्शन देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा रिएक्शन, KNO3 प्लस H2SO4, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, आप लोगों का एक पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग एसिड निकल जाएगा, एक एसिड निकाल लो, कौन सा एसिड बनेगा यहाँ पर, जैसे यहाँ HCl बना था यहाँ पर क्या बचेगा, बनेगा HNO3, वेरी गुड, कौन सा एसिड बन रहा है यहाँ पर, HNO3, राइट, यहाँ से NO3 जाएगा और यहाँ से H जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पर क्या बचा इस साइड में,
के बचा है और इस साइड में क्या बचा है? HSO4। बराबर है, तो इसका नाम क्या होता है? KNO3 का नाम क्या होता है बताइए? What is the name of KNO3? KNO3 का नाम क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। अब इसका नाम क्या है? KHSO4 का नाम क्या होगा? पोटेशियम बाइसल्फेट। और HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड। ओके, तो बताइए इस रिएक्शन को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? पोटेशियम नाइट्रेट रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव पोटेशियम बाइसल्फेट एंड नाइट्रिक एसिड। अब इनका थर्ड रिएक्शन देखो। तो थर्ड रिएक्शन लिया हुआ रिएक्शन विद CaF2 में। ओके, रिएक्शन विद CaF2। तो चलिए इस रिएक्शन को देख लेते हैं। तो CaF2 रिएक्ट विद H2SO4। तो बता यहाँ पर कौन सा एसिड निकल जाएगा आप लोगों का? 2HF इसमें से H और इसमें से F, यहाँ पर 2F है और यहाँ पर 2H है, तो HF जो निकलेगा वो कितना निकलेगा? 2 टाइम्स निकलेगा। अब बचा क्या है? इधर में क्या बचा है? CA और इधर में क्या बचा है आप लोगों का? SO4। तो आप लोगों का क्या बन रहा है यहाँ पर? CaSO4 बन रहा है। बड़े अब चलिए नाम बताइए, इसका नाम क्या होता है? कैल्शियम फ्लोराइड। कैल्शियम फ्लोराइड। H2SO4 का नाम क्या लिखेंगे हम लोग? सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरिक बोलते हो ना, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जमेगा नहीं है, समझे ना? सिर्फ आय का अगर वो भी कर दोगे ना तो सब गलत हो जाएगा, आप लोग का पूरा रिएक्शन ही। CaSO4 का नाम क्या लिखेंगे आप लोग? कैल्शियम सल्फेट। वेरी गुड, कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। एंड व्हाट इज अबाउट HF का नाम क्या होगा? हाइड्रोफ्लोरिक। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। क्या नाम होता है इसका? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। डन, क्लियर है? हाँ सर। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन विद सॉल्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर, तो वो है रिएक्शन विद एसिड। ठीक है, तो रिएक्शन विद एसिड में सबसे पहले यहाँ पर रिएक्शन विद HBr दिया हुआ है एंड देन रिएक्शन विद HI दिया हुआ है। रिएक्शन विद HBr एंड रिएक्शन विद HI। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम रिएक्शन विद HBr कर लेते हैं। तो HBr प्लस H2SO4। ठीक है, अब इस पर्टिकुलरली दोनों के रिएक्शन में आप लोगों का क्या बनेगा ये आप लोग को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर क्या कर लेता है, क्योंकि देखिए ये जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एज कम्पेयर टू द HBr, तो ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। HBr को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस होता है। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि H2SO4 जब भी रिड्यूस होता है तो वो किसमें रिड्यूस होता है? H2SO4 हमेशा किसमें रिड्यूस होता है? SO2 and H2। तो वो तो रहेगा रहेगा, बराबर है। अब यहाँ पर आप लोग को ध्यान में रखना है कि ये एसिड है, तो एसिड जब ऑक्सीडाइज होगा, जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, बट यहाँ ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ HBr में से हाइड्रोजन अगर मैंने निकाल दिया तो बचेगा क्या? यहाँ पर क्या बचेगा? खाली Br बचेगा, और जो Br होता है वो हमेशा Br2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर क्या बचेगा? Br2। अब यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, Br2 की 2 है तो HBr आपको 2 टाइम्स लेना पड़ेगा,
बराबर है, सल्फर एक ही है, हाइड्रोजन चिट्ठी यहाँ पर दो है और यहाँ पर दो है, टोटल चार हाइड्रोजन हो गए। तो चार को करने के लिए यहाँ पर मैं दो कर लेता हूँ। अब ऑक्सीजन देख लेते, यहाँ पर दो, चार हो गए, तो बैलेंस हो गया। हाँ सर। चलिए अभी इसका नाम बताइए, एचबीआर का नाम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जैसे एचएफ का नाम क्या लिखा था भाई आप लोगों ने? हाइड्रोफ्लोरिक। इसका नाम क्या लिखा था? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड लिखा था। तो इसका नाम क्या लिखेंगे आप? हाइड्रोब्रोमिक एसिड। हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ओके। तो पहले ये चीज दिमाग में रख लीजिएगा। देन H2SO4 मतलब क्या होता है, ये हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? सल्फ्यूरिक एसिड। ये कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ध्यान में रखना। लेटर ऑन Br2 का नाम क्या लिखेंगे अभी आप? What is Br2? Br2 is nothing but the ब्रोमीन। Br2 मतलब क्या होगा यहाँ पर? ब्रोमीन। SO2 का नाम तो पता ही है, क्या होता है SO2 का नाम? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। और SO2 का नाम क्या होता है? वाटर। वाटर, ओके। तो इस रिएक्शन को आप कैसे करोगे? तो यहाँ पर ओवरऑल क्या क्या मैंने क्या समझा था कि H2SO4 क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज। H2SO4 HBr को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। क्या होगा एक्सप्लेनेशन बताइए? H2SO4 क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। किसको? HBr को। किसमें? इनटू Br2। बस इतना ही लिखना। समझ में आ रहा है? ओके। अब ठीक उसी तरह से हम बात करेंगे रिएक्शन भी HI की, ठीक है? तो चलो इसका रिएक्शन देख लेते हैं। HI, तो HI प्लस H2SO4। अब यहाँ पर भी वही चीज होंगी। क्या चीज होंगी यहाँ पर? कि भाई H2SO4 इसको ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ पर क्या होगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, बराबर है? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होने वाला है वहां पर? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होने वाला है। हाइड्रोजन अगर रिमूव होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? क्या बचेगा? सिंपली I2 बचेगा। आई बचेगा, जो आई पता है I2 फॉर्म में रहता है, और H2SO4 खुद रिड्यूस होता है। इसमें हमेशा SO2 और H2O में रिड्यूस हो जाता है। अब सिंपली बैलेंस करवाना है तो रिएक्शन बिल्कुल सेम टाइप का रहेगा, यही वाला। क्लियर है? अभी सिर्फ नाम आप लोग को लिखने हैं। तो HI का नाम क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? और अभी इसका एक्सप्लेनेशन क्या लिखोगे आप लोग? तो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज जो है सल्फ्यूरिक एसिड की, वो सारी की सारी खत्म हो गई। ओके, डन। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है। अब इसके बाद से जो नेक्स्ट आते हैं वो आते हैं इसकी यूजेस। ओके, यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड की यूजेस काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इट बिकम्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट सल्फ्यूरिक एसिड की यूजेस, ठीक है? तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा इंडस्ट्रियल केमिकल्स होता है, ठीक है? ध्यान में रखना, सल्फ्यूरिक एसिड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल। ओके, और ये काफी सारे कंपाउंड को बनाने के काम में आता है, ठीक है? अब इसका यूज क्या होता है ध्यान दीजिए। तो वेयर इट इज यूज्ड, ये कहाँ कहाँ यूज होता है वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है? तो सबसे पहले ये यूज हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर। ओके, ध्यान में रखना, सबसे पहले ये यूज हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर, ठीक है? जैसे आप लोग को पता है काफी सारे जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, अमोनियम सल्फेट,
सुपर सल्फेट, ये सारे के सारे जो पर्टिकुलरली आप लोगों के क्या होते हैं फर्टिलाइजर होते हैं, वो एस्ट्रेसो बोर्ड का यूज करके ही बनाए जाते हैं। सेकेंड इसका यूज है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिगमेंट पेंट एंड डाइस्टफ इंटरमीडिएट। ओके, तो पिगमेंट पिगमेंट पेंट या डाइस्टफ ये सारे के सारे कलर एजेंट होते हैं। तो जितने भी कलर्स वाली चीजें होती है जैसे पेंट हो गया, पिगमेंट हो गया या डाइस्टफ इंटरमीडिएट हो गए, ये सबको बनाने के लिए भी एस्ट्रेसो बोर्ड का यूज होता है। थर्ड इसका यूज जो है इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, जब पेट्रोल बनाया जाता है ठीक है रॉ हाइड्रोकार्बन से, तो उस पेट्रोल को रिफाइन करने के लिए, रिफाइन मतलब उसका प्यूरिफिकेशन करने के लिए भी आप सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हो। देन नेक्स्ट जो दिया हुआ है दैट इज इन डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज, डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज किया जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका यूज होता है क्योंकि डिटर्जेंट में आप लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है कि जो डिटर्जेंट होते हैं या फिर सॉफ्ट होते हैं सोप जो होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं पोटेशियम या फिर सोडियम सॉल्ट होते हैं हायर फैटी एसिड के, बराबर है। तो उसके लिए एस्ट्रेसो बोर्ड का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है। देन इन मेटलर्जी फॉर क्लीनिंग ऑफ मेटल, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड गैल्वेनाइजेशन, इवन एक मेटलर्जी नाम का ब्रांच होता है जो हम लोग इसके ऊपर चैप्टर भी एक मेटलर्जी के ऊपर जो हम पढ़ेंगे। मेटलर्जी का मतलब क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को जमीन से खोद कर निकालना ठीक है, उसके बाद में उसका प्यूरिफिकेशन करना और बहुत सारी प्रोसेसेस होते हैं। तो यहाँ पर जो आप लोगों का मेटलर्जी होता है, तो मेटलर्जी में एस्ट्रेसो बोर्ड काफी सारे प्रोसेसेस में यूज होता है, जैसे कि यहाँ पर क्लीनिंग ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट को क्लीन करना, देन इलेक्ट्रोप्लेटिंग नाम का एक प्रोसेस होता है जिससे प्यूरिफिकेशन या रिफाइनिंग किया जाता है मेटल्स का, और गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस होता है जो प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होता है। लेटर ऑन नेक्स्ट वन दिया हुआ है इन स्टोरेज बैटरी, ये तो आप लोग को पता है हम लोग ऑलरेडी बैटरी देखे हैं निकल कैडमियम बैटरी वगैरह, तो वहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है वो जनरली आप लोग का सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4 होता है। देन नेक्स्ट वन इन अ लेबोरेटरी रिएक्शन, लेबोरेटरी में आप लोगों ने अक्सर H2SO4 देखा ही होगा, बराबर है, वो यही होता है। देन इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोस प्रोडक्ट, नाइट्रोसेल्यूलोस पेपर अभी जो बच्चे एंट्रांस वाले उन्होंने पढ़ा होगा कि भाई नाइट्रोसेल्यूलोस पेपर का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं वहां पर प्यूरिफिकेशन, बराबर है, प्यूरिफिकेशन कर पा रहे थे कोलाइडल सोल्यूशन का, तो नाइट्रोसेल्यूलोस पेपर बनाने के लिए भी H2SO4 का यूज होता है। तो ये सारे के सारे जो पर्टिकुलरली प्रोसेसेस होते हैं सॉरी यूजेस है H2SO4 के यूजेस है, और यहाँ पर हमारा H2SO4 खत्म हो जाता है और इसके साथ हम लोग क्लास भी खत्म कर लेते हैं ठीक है, क्योंकि 11 बजे मेरी दूसरी क्लास होती है और सिर्फ 2 ही मिनट बचे हुए हैं। ओके फाइन, हाँ सर, ओके बाय।